बालिकेच्या मागे जाऊन अटेंडन्सने ट्रेनच्या स्वच्छतागृहात तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला. पाटलीपुत्र एक्सप्रेसमध्ये सोमवारी आणि मंगळवारच्या रात्री दरम्यान ही संतापजनक घटना घडली. यामुळे रेल्वे प्रवाशांचा रोष अनावर झाला आणि त्यांनी आरोपीची बेदम धुलाई केली. मोहम्मद मुन्ना वय 30 वर्ष असे आरोपीचे नाव आहे. कल मंगलवार को 16 तारीख को कंट्रोल जीआरपी से एक कॉल आया था नागपुर पुलिस स्टेशन में कि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के B2 कोच में एक छोटी 9 साल की लड़की के साथ किसी ने छेड़खानी की है. तो जब गाड़ी इधर नागपुर स्टेशन पे आ गई तो हमारे ऑफिसर और स्टाफ ने गाड़ी अटेंड किया. तो वहाँ जाने के बाद जानकारी मिली कि एक 9 साल की लड़की, उसकी माँ, उसका भाई और उसके दादी के साथ पाटलिपुत्र जाने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे थे बैंगलोर से. तो जब बुटीबुरी से गाड़ी ट्रैवल कर रही थी उस टाइम पे एक लड़की अपने वो लड़की अपने माँ को बताकर चली गई कि वो वॉशरूम के लिए जा रही है. तब उसके पीछे एक लड़का गया और उसने बाथरूम का दरवाज़ा क्लोज किया और लड़की को पैंट उतारने के लिए बोला. तो वो लड़की रोने लगी तो उसने उसको किस किया और उसको फिर वो लड़की और रोने लगी तो उसने उसको पैसे भी ऑफर किए. तो ये सब होने के बाद वो लड़की तो और ज़ोर से रोने लगी तो उसने दरवाज़ा खोला और लड़की भागती हुई अपने माँ के पास चली गई. तो माँ ने जब थोड़ी आवाज़ चिल्लाई तो बाकी लोगों ने वो आरोपी को पकड़ के रखा था. जब ऐसा कॉल आया तो हमारे लोगों ने अटेंड करने के बाद उसको उतारा. तो उसका वो जो आदमी था वो अटेंडेंट था, B2 कोच का, रेलवे का अटेंडेंट था. उसको अभी ताबे में लिया है और अभी वो पुलिस हिरासत में है. आरोपी का नाम है मोहम्मद मुन्नू उर्फ मुन्ना मोहम्मद असलम, उम्र 30 साल, चाकंद बाजार करबला सिपरा बिहार का रहने वाला है ये. और इसके पहले इसके ऊपर कभी कुछ ऐसा गुनाह दाखिल नहीं है लेकिन वो 8 साल से अटेंडेंट का काम कर रहा है.